नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आपको बता दें कि सियासी महकमे के बीच में जो है राहुल गांधी का लगातार बयान आता रहा है और ऐसा ही एक बयान जो है राहुल गांधी का फिर से सामने आ गया है, जिसमें वो मोदी सरकार और उनकी नीतियों के खिलाफ जो है जमकर बरसते हुए नजर आए। तो चलिए हम आपको ये वीडियो दिखाते, वीडियो देखिए और समझिए कि राहुल गांधी जो है वो क्या कुछ कह रहे थे। हमारे विपक्ष के नेता जो हैं, बीजेपी के नेता हैं, जहां भी जाते हैं अंग्रेजी के खिलाफ बात करते हैं। स्कूलों में अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए, बंगाली होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए, मगर अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए। कभी आप एक काम कीजिए, ये जो नेता कहते हैं कि अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए, उनके पास जाइए, उनसे पूछिए, भैया आप ये बात तो अच्छी कर रहे हो मगर आपका बेटा कौन से स्कूल में जाता है? क्या इंग्लिश मीडियम में जाता है, हां या ना? हां। इनके सारे के सारे बच्चे अमित शाह जी से लेकर इनके सब चीफ मिनिस्टर के बच्चे, सब एमपी के बच्चे, सब एमएलए के बच्चे, सारे के सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं और भाषण देते हैं कि भैया अंग्रेजी किसी को बोलनी नहीं चाहिए। ये नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान का गरीब किसान का बेटा, मजदूर का बेटा अंग्रेजी सीखे। इसका कारण है क्योंकि वो चाहते हैं कि आप बड़े सपने ना देखो, आप खेत में से मत ना निकलो, आप मजदूरी से बाहर ना निकलो। इसीलिए ये आपसे कहते हैं अंग्रेजी मत पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदी नहीं पढ़नी चाहिए, जरूर पढ़नी चाहिए, तमिल पढ़नी चाहिए, हिंदी पढ़नी चाहिए, मराठी पढ़नी चाहिए, सब हिंदुस्तान की सब भाषाएं पढ़नी चाहिए, मगर अगर आप बाकी दुनिया से बात करना चाहते हो, चाहे वो अमेरिका के लोग हों, जापान के लोग हों, इंग्लैंड के लोग हों, तो वहां हिंदी काम नहीं आएगी, वहां अंग्रेजी ही काम आएगी। और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के गरीब से गरीब किसान का बेटा एक दिन जाकर अमेरिका के युवाओं से कंपटीशन करे और उसी की भाषा में उसे हराए। राहुल गांधी का ये बयान सुनने के बाद अब आप लोगों को ये बात तो समझ में आ गई होगी कि मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने अपनी एक अलग हुंकार भर चुकी है और ऐसी हुंकार को सुनने के बाद भाजपा के अंदर जो है यहाँ पर पूरा का पूरा खेमा जो है वो इस वक्त स्तब्ध दिखाई दे रहा है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।